नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर है, वहीं भारत के बाजारों में सोने चांदी से लेकर भवन निर्माण सामग्री के साथ पेट्रोलियम पदार्थों के रेट भी काफी बड़े हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के वायदा बाजार में सरसों के तेल में अभी राहत है। यूपी के तेल तिलहन बाजार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। आज 25 अप्रैल को यूपी में सरसों का तेल 164 रुपए पर खुला है, जबकि 24 अप्रैल को सरसों के तेल के भाव 160 रुपए पर पहुंच गया था। सरसों के तेल के रेट की एक साल की तुलना करें तो अभी भी 46 रुपए ये कम है, क्योंकि 2021 में कोरोना महामारी के कारण सरसों के तेल के रेट 210 रुपए तक पहुंचे थे। वायदा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि उतार चढ़ाव का दौर कुछ दिन के लिए है, जल्द ही तेल के भाव नीचे आ जाएंगे। वहीं भारत के बाजारों में पेट्रोल डीजल काफी महंगा हो चला है, जिसके चलते माल भाड़ा भी काफी बढ़ चुका है। इसी कारण रसोई के सामान से लेकर हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। वहीं सरसों के तेल की बात कर रहे हैं तो विभिन्न राज्यों में सरसों के तेल का भाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि यूपी में फिलहाल अभी राहत है। विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही सरसों के तेल के रेट नीचे आ जाएंगे। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।